तो आज हम चैप्टर 15 के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो RSCIT के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। विंडो 10 में निम्न में से किसके द्वारा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता? इंटरनेट से हम डाउनलोड करके भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडो स्टोर से भी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, CD/DVD पेन ड्राइव से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि एक वर्ड फाइल से आप एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी, वर्ड फाइल का उपयोग करके आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है? तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल में जाते हैं, कंट्रोल पैनल से हार्डवेयर एंड साउंड में जाते हैं, साउंड के बाद में डिवाइस एंड प्रिंटर पर क्लिक करते हैं और वहां से हम एक प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है। चेक करते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन, सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाके डिवाइसेज पे जाते हैं, डिवाइस पे जाने के बाद में प्रिंटर एंड स्कैनर पे क्लिक करते हैं और इसके बाद में हम ऐड ए न्यू प्रिंटर और स्कैनर पे क्लिक करते हैं। तो ये तरीका भी हमारा सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए और बी दोनों ही माध्यम से हम प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? तो हम अगर कोई भी बिजनेस सेटिंग में अगर उपयोग करेंगे तो वो करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के ईमेल खाते को यूज करोगे तभी आप व्यापार सेटिंग में यूज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो हम एक निजी ईमेल खाते का उपयोग करते हैं, वो हम POP3 के माध्यम से करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है POP3। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज से बिजनेस रिलेटेड हम ईमेल को यूज करते हैं और HTTP एक प्रोटोकॉल होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, POP3। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडो 10 में नहीं होता? तो हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एज ए यूजर उपलब्ध है, जबकि एक माइक्रो यूजर के रूप में उपलब्ध नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी, माइक्रो। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस ले जाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था, वो पढ़ा था कि सिस्टम रिस्टोर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आप अपने पुराने समय में जो सेटिंग कर रखी होती है तो उस स्थिति में वापस जा सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, सिस्टम रिस्टोर। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विंडो 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर निम्न में से किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर छिपे हुए या दृश्यमान बना सकते हैं? तो वो हम कौन सा टैब यूज करते हैं? वो यूज करते हैं व्यू टैब। व्यू टैब को यूज करके हम किसी भी छिपी हुई फाइल या फिर फोल्डर को दिखाने लायक बना सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, व्यू। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करने में निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? जैसे विंडो डिफेंडर, ये एक एंटीवायरस होता है, कोर्टाना ये एक वॉइस से चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है, फोल्डर लॉक का मतलब आप किसी भी फोल्डर को लॉक कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, कि फोल्डर लॉक के हेल्प से हम किसी भी फोल्डर पर लॉक लगा सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से किसके द्वारा आप किसी प्रोग्राम को विंडो 10 से अनइंस्टॉल कर सकते हो? तो हम चेक करते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। सेटिंग्स में जाके एप्स एंड सर्विसेज पे क्लिक करोगे, वहां से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, सही बात है। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करोगे, फिर प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, फिर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करोगे, तो वहां से भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। हमारे पास में तीसरा ऑप्शन है टास्क बार, जहां से हम डिलीट नहीं कर सकते। तो हम चौथे ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन है ए और बी, दोनों ही माध्यम से हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है, ईमेल में BCC विकल्प क्या होता है? तो ईमेल में BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
इसके तहत हम किसी अलग पर्सन से छुपा के हम किसी ईमेल को भेज सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। CNC इंफोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।